भगवान राम ने राक्षस राजा रावण की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। देखे दोस्तों, काफी खूबसूरत व्यू है। देखे दोस्तों, यहीं पर होता है संगम। देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, और यहीं से गंगा नदी जाती है ऋषिकेश हरिद्वार। अभी हैं दोस्तों हम देवप्रयाग में, और अभी हम जा रहे हैं संगम घाट नीचे की ओर, तो आप सभी को नीचे से दिखाएंगे अच्छे से। चलते हैं रघुनाथ मंदिर एवं संगम घाट जाने का मार्ग। देखिए यहाँ से बोतल वगैरह भी ले लें गंगा जल लेने के लिए। चलते हैं इसे नीचे जाने। ये देखिए जीने हैं, यहाँ से नीचे जाना है। काफी कठिन चढ़ाव और उतराव है, काफी सारे जीने हैं। चढ़ने में हालत खराब हो रही है और उतरने में भी। इधर राम मंदिर और नीचे जाना भी। देखिए दोस्तों काफी कठिन है उतरना और चढ़ना। देखिए यहाँ पर दुकान भी है। संगम घाट देव प्रयाग करते यहाँ पे। देखिए दोस्तों कैसे भागीरथी नदी आ रही है। देखिए दोस्तों भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। पास से दिखाते हैं अभी आप सभी को। देवप्रयाग वह स्थान है जहां पवित्र नदियां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, और ये दोनों नदियां एक में विलीप हो जाती है और गंगा का नाम लेती है, जिससे ये एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहां पर तपस्या की थी। भगवान राम ने राक्षस राजा रावण की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। शहर का मुख्य मंदिर रघुनाथ जी मंदिर देवप्रयाग में स्थित है, और यह भगवान राम को समर्पित है। देवप्रयाग पंचप्रयाग या अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगम में से एक है। नदियां एकत्रित होकर गंगा नदी के रूप में मैदानी इलाकों में बहती है। 5 पवित्र स्थल विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अलकनंदा नदी हमारी बद्रीनाथ से होकर आती है, और भागीरथी नदी हमारी गंगोत्री होते हुए आती है, और देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसीलिए देवप्रयाग को काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डेंजर जोन, संगम पर पानी बहुत गहरा है, नीचे ना नहाए, फिसलने का डर है, चैन पकड़कर नहाए, बच्चों को पकड़कर रखें, कपड़े ना धोएं, साबुन का प्रयोग ना करें, जान जोखिम में ना डालें, सेल्फी लेना मना है।
देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों देखे दोस्तों यहीं पर होता है संगम। देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी और यहीं से गंगा नदी जाती है ऋषिकेश हरिद्वार। और देखिए यहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मछली दिख रही है, मछलियाँ काफी सारी। काफी खूबसूरत व्यू है। दोस्तों संगम घाट के तो अच्छे से दर्शन करा दिए हैं, अब चलते हैं रघुनाथ जी के मंदिर में, आप सभी को वहां के भी दर्शन कराएंगे। वापस ऊपर जाना है यहीं से। देखिए यहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं। सामने राम मंदिर घटिन चढ़ाई है, सांस फूल गई है। अब यार राम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ है मंदिर। यही है दोस्तों मंदिर। दर्शन कीजिए हमारे रघुनाथ जी के। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम अच्छे से दिखा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अब हम आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।